नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप सब लोग देख चुके हैं कि जो थंबनेल में आपने देखा होगा, आरआरबी पीओ मेंस 2019 का स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड में डाल रहा हूँ यहाँ पे आज। और ये ऐसा इसलिए मत समझना कि मैं बहुत शो ऑफ कर रहा हूँ कि यार इतने नंबर आए, इतने नहीं आए, इतने कुछ ज़्यादा नहीं आए मेरे, ठीक ठाक नंबर आए मेन्स में। हाँ ठीक ठाक है, मतलब राजस्थान से मैंने भरा था और राजस्थान के सबसे ठीक ठाक नंबर हैं। राजस्थान का कट ऑफ कुछ 88 पॉइंट समथिंग गया था और मेरे मार्क्स आप देख ही लेंगे अभी। तो हाँ एक बात है, क्वांट में आपको नंबर मेरे देख लेने चाहिए। अब आप मेरे से अगर डीआई पढ़ रहे हैं, मेरे से अगर क्वांट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई। मैं अगर क्वांट में 10 नंबर ला रहा हूँ, 15 नंबर ला रहा हूँ, तो फिर तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे से बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। मगर मैं क्वांट में अगर इतने नंबर ला रहा हूँ जितने मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो फिर आपको मेरे से पढ़ लेना चाहिए। तो फिर आपको मेरी स्ट्रेटेजी पे काम कर लेना चाहिए कि हाँ इस बंदे की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं क्या करता है ये, ठीक है। तो इसके इतने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं क्वांट में स्कोर नहीं कर रहा और फिर मैं अगर आपको डीआई पढ़ा रहा हूँ, डीआई सीरीज चला रहा हूँ, या मुझे आपको क्वांट पढ़ाना है, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो उसी पर्पज़ से स्कोर कार्ड शेयर किया था कि आप लोगों को पता लगे कि आप किससे पढ़ रहे हैं और वो बंदा खुद कहाँ स्टैंड करता है, वो इंसान खुद कहाँ स्टैंड करता है। तो उसके लिए है ये। तो चलते हैं अपन स्कोर कार्ड की तरफ। और स्कोर कार्ड आ गया था अभी 3-4 दिन पहले आ गया था, मगर मैंने वीडियो 3-4 दिन बाद बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था यार बीच में। खैर आप लोग भी बिजी थे, आपका आरबीआई असिस्टेंट का वो आ गया था नोटिफिकेशन, 926 वैकेंसी, एलपीटी क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे, कहाँ से भरें सर, मुंबई रीजन में इतना आ गया है, बाकी इंडिया में है नहीं, काफ़ी तरह तरह के डाउट्स चल रहे थे, काफ़ी तरह की क्वेरीज चल रही थी। तो इस वजह से मैंने 2-3 दिन लेट बनाया है वीडियो। तो आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड मैं अपनी अपलोड कर रहा हूँ मेन्स का। और एक चीज़ उसमें ध्यान रखने की है कि उसमें जो जीए सेक्शन है, उसके जो स्कोर हैं 0.5 से मल्टीप्लाई करने हैं, जैसा कि हम लोगों को पेपर में बताया था और स्कोर कार्ड पे भी लिखा हुआ है कि हमारा जो कन्वर्जन है जीए का 0.5 से है, मैथ्स यानी कि क्वांट और रीजनिंग सेक्शन का 1.25 से मल्टीप्लाई करके फिर कन्वर्ट करने हैं हमारे को मार्क्स तभी, क्योंकि स्कोर कार्ड थोड़ा अजीब सा आता है कि उसमें मतलब पता नहीं होता है कि क्या करना है हमको, क्योंकि उसमें नंबर लिखे होते हैं, टोटलिंग वो हो नहीं रही होती है, तो उसको कन्वर्जन यूज़ करके करना होता है। तो शो कर रहा हूँ मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड, देखिए आपके सामने है। तो दोस्तों ये था मेरा स्कोर कार्ड आरआरबी, मैं लिख देता हूँ आरआरबी पीओ मेंस 2019 का स्कोर कार्ड है मेरा, ठीक है ना। 2019 का स्कोर कार्ड है ये, ठीक है। और नाम मेरा हर्षल अग्रवाल है, बिल्कुल जी मैं ही हूँ, ऑथेंटिक है, आप जानते हैं ये नाम मेरा यही है। ये जानबूझ के हटाया गया है, प्राइवेसी रीज़न है, क्योंकि ठीक है प्राइवेसी के कारण ये चीज़ हटानी पड़ती है, बड़ी कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है ये, तो ये हटानी पड़ती है हमको। डेट ये थी, जयपुर में एग्ज़ाम दिया था मैंने मेंस का, जयपुर में दिया था। जोधपुर में इंटरव्यू भी मैं इसका दे चुका हूँ, इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुके हैं। कैटेगरी मेरी जनरल थी और राजस्थान से मैंने अप्लाई किया था। तो देखिए ये मेरी स्कोर शीट है रीजनिंग में, देखिए 40 नंबर की रीजनिंग की, मगर एक बात ध्यान रखिएगा रीजनिंग के मार्क्स 1.25 से मल्टीप्लाई हुए हैं, तो ये 1.25 से मल्टीप्लाई होगी। 50 नंबर की रीजनिंग थी, कंप्यूटर नॉलेज 40 नंबर का था, 40 में से वापस 0.50 करना था, तो इसकी स्केलिंग से 2020 नंबर का होता है। जनरल अवेयरनेस होती है 1 मार्क की होती है, तो ये 40 का ही था। इंग्लिश मैंने अटेम्प्ट की नहीं थी, मैंने हिंदी की थी, हिंदी भी 1 मार्क की थी, आप कन्वर्जन पे देख सकते हैं, तो ये भी 40 नंबर की थी। साथ ही साथ जो क्वांट था वो 1.25 से मल्टीप्लाई होगा, तो 40 की जगह 50 हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो इसका सम कितना जाएगा, 200 आ जाएगा। देखिए कितना सम आ रहा है, 70, 110, 110 और ये हो गया 150 और 50, 200, 200 नंबर का इस तरह से पेपर था। पहले अगर आप देखेंगे तो वो अलग तरह से 40, 40, 40, 40 ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 40x5 सेक्शन होते हैं, ये 200 क्वेश्चन होते हैं इसमें, मगर मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 50, 20, 40, 40, 50, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ ये थी, कट ऑफ इनकी ये रही थी 13.75, 8.75, 10, 9.50, 3.25 मैथ्स की, क्वांट की, और ओवरऑल कट ऑफ ये राजस्थानी कट ऑफ है, राजस्थान की 88.69 कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। ये मैं वापस से कट ऑफ आपको ढंग से दिखा देता हूँ, राजस्थान की 88.69 कट ऑफ गई है, ठीक है जी। तो ये तो होंगे कट ऑफ सेक्शन, ठीक है। अब जो मेरे स्कोर है वो देख लीजिए, 16 नंबर मैंने लिए रीजनिंग में, 16 मतलब 16 × 1.25 दैट इज 20 नंबर आए मेरे रीजनिंग में, 20 मार्क्स है मेरे रीजनिंग में। कंप्यूटर में 12.75 है, जिसको अगर आप आधा करेंगे तो लगभग 6.38 बनता है, ठीक है ना। तो 6.38 मार्क्स मेरे आए थे कंप्यूटर में, ये आउट ऑफ 20 आ रहे हैं स्केल्ड करने के बाद। जीए में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, तो 14.75 है, 10 कट ऑफ क्लियर मान लो, अब 10 नंबर कट ऑफ थी, 14.75 है। आई होप आप लोगों ने 30-30, 28-28, 25 तो कम से मारे होंगे इसमें, ये मारने अच्छे होते हैं, 25-30 मारी है इसमें आराम से। मैं नहीं पढ़ता जीए को, क्योंकि क्वांट में तो टाइम निकल जाता है यार, क्योंकि क्वांट को पढ़ाना होता है, देखना होता है,
सारी उसकी क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। हाँ हिंदी में 9.50 था, मेरा 27.25 है। दिस इज़ वेरी गुड स्कोर आई थिंक। आप बताए बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने लोगों के इसमें से ज़्यादा नंबर हिंदी में मेरे से, 27.25 मेरे आए हैं। बात आती है क्वांट की, आप मुझसे क्वांट पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेरे से क्वांट में एक्सपेक्ट करते होंगे कि क्वांट में कुछ अच्छा स्कोर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यस क्वांट में बताइएगा किसके मेरे ज़्यादा नंबर हैं। 28 मार्क्स तो ऐसे हैं और 1.25 कर लोगे तो क्वांट में यस मेरा स्कोर 35 है। 35 स्कोर है मेरा क्वांट के अंदर, बिल्कुल ये 35 स्कोर है, जो कि आई थिंक बहुत डिसेंट स्कोर है, क्योंकि जब कट ऑफ आपकी पता लगती है कि आपको 3.25 है, तो मेरा 35 आया क्वांट में जी। तो टेंशन मत लीजिए, अच्छे खासे हाथों में है आपका सिलेबस, आपको DI सीरीज़ में करा रहा हूँ, तो कोई ऐसे एरा गैरा नत्थू गैरा नहीं करा रहा है आपको, एक अच्छा खासा इंसान करा रहा है जिसके खुद क्वांट में 35 मार्क्स आए हैं। RRB PO में 35 out of 20 है मेरा क्वांट, आउट ऑफ 50 है क्वांट का स्कोर, ठीक है ना। कट ऑफ आप खुद देख सकते हैं 3.25। बच्चों की क्या हालत रही है, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो भी 15-10 के आसपास रहे हैं, तो अपना स्कोर 35 है आपके भाई का, जो कि आपको DI सीरीज़ खुद करा रहा है। तो बिल्कुल आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ DI सीरीज़ ज़रूर फॉलो कर लेनी चाहिए, क्योंकि आई नो द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो इसलिए DI जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पेपर में, तो इस तरह से कुल मिला के रहा था मेरा स्कोर। तो अब मेरे को नहीं पता क्लियर होगा नहीं होगा, मुझे ज़्यादा मतलब भी नहीं है क्लियर होगा नहीं होगा, अच्छी बात हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। मेरे को अपना स्कोर करना था, मैं करके आ गया हूँ। कट ऑफ 88 थी और मैंने कुछ इतना स्कोर किया है आपको, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल स्कोर मेरा जो है वो मेरा क्या रहा है आपका 103.38 रहा है। बस सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे स्कोर में यही है, क्वांट में भाई साहब 35 मार्क्स हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा जिन लोगों के हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आप लोगों से मिलने में, आप लोगों से बात करने में बहुत खुशी होगी। तो ये थी मेरी RRBPO स्कोर कार्ड, और IBPS का आता है तो IBPS का आपको दिखाता हूँ मैं स्कोर कार्ड मेरा, जो भी आएगा जितने मार्क्स आएंगे वो काफ़ी अच्छा पेपर है, वो और भी टफ पेपर है, तो उसमें और भी कम कम नंबर होंगे सबके, मगर हाँ यहाँ पर इतना ही है। हाँ तो क्वांट में अगर 35 जोड़ लोगे तो ये इन पाँचों नंबर का सम जो है ना ये आपका 103.338 होगा, ना कि इनका, क्योंकि स्केल्ड स्कोर नहीं है ये, सॉरी ये वाले स्केल्ड स्कोर नहीं है। तो इस तरह से मेरा 103.38 है और ये था मेरा स्कोर कार्ड। थैंक यू आपने देखा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं मेरा स्कोर कार्ड। थैंक यू सो मच।